नमस्कार, मैं सीमा बुदानी ट्यूलिप बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी फरमाइश पे टर्टल नेक, जिसे काउल नेक भी कहते हैं, फ्रॉक सिखाने जा रही हूँ। ये फ्रॉक का कपड़ा है, इसे मैं यहाँ से काउल नेक का काटूंगी। और चोली, ये हमारे पास टुकड़े हैं बचे हुए कपड़े में से, कैसे बनाते हैं ये मैं घेर बनाने जा रही हूँ, और कटिंग करते समय सारी नाप आपको बताती हूँ। ये फ्रंट की चोली काट रही हूँ, इसमें लंबाई 8 इंच तैयार रखनी है। 8 का हम 9 इंच ले रहे हैं, 1 इंच प्लस करते हैं सिलाई का। और सीना 20 है, 20 का चौथा भाग 5 + 2 = 7 हमने ले लिया चौड़ाई, कपड़ा डबल है। और तीरा 10 है, 10 का आधा 5, इधर से सीने का चौथा -1, सीने का चौथा भाग 5 है, -1 4 हो गया। ऐसे शोल्डर की कटिंग होगी, तिरछी लाइन लेंगे। फ्रंट है इसलिए पहले ही गहराई से कटिंग लेंगे, ये जरा सी तिरछी कटिंग। और यहाँ से गला, गला फ्रंट का भी होगा, गोल भी रख सकते हैं, इच्छा अनुसार होता है। मैं इस पे आपको चोली काट के और काउल नेक बताती हूँ। लंबाई में से काट देंगे, ये चोली कट चुकी है। अभी मैं आपको फ्रॉक का ऊपर का कपड़ा बताती हूँ। ये लाइनिंग का कपड़ा ही जो काटा है चोली, उसी को रखकर उसी की साइज का हम कपड़ा काटेंगे। ये अस्तर वाला फ्रॉक हो जाएगा और काउल नेक। ये चोली कटी हुई है आगे की फ्रंट की, हम इसके साथ ही नीचे के कपड़े को भी गला बना देंगे। वी हो गया, वो कटिंग हम करके आपको बाद में बताते हैं। वी गला कट गया बाकी के कपड़े में। अब मैं नेक आपको बता रही हूँ, ये इसके साथ जोड़ना बताऊँगी बाद में, पहले आपको मैं नेक बनाना बता रही हूँ। इस तरह से करके यूँ सल इस पर जमा देंगे। आप सुई धागे से कच्चा भी कर सकते हैं, अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, कच्चा करके भी दिखाऊँगी। ये दूसरी प्लेट आ गई, और इसी तरह से इधर से भी दूसरी प्लेट आ गई। वो कंधे में हम सिलाई में दबाएंगे बाद में, और तीसरी और देंगे, ये लहर से बैठेगा। इसी तरह से इधर से भी करेंगे। बस ये काउल नेक हो गया, ये सिलते वक्त आपको जोड़ना बताती हूँ सारा। ये 3 प्लेट्स का जो हमने कपड़ा ले लिया काउल नेक में, अब इसको नीचे से राउंड में कटिंग लेंगे। जो बच रहा है बाकी का कपड़ा, उसमें से बैक की चोली निकालनी है हमें, ऐसे सारा एडजस्ट करना पड़ेगा। बस ये हो गया गोल। ये गोलाई में कट गया, ये बैक की चोली है, 2 पार्ट में कटेगी क्योंकि बीच में बटन हुक आएंगे पीछे। ये 9 इंच लंबाई, 8 तैयार प्लस 1 इंच, यहाँ से सीने का चौथा +2 हो गया, सीना 20 है, 20 का चौथा भाग 5 + 2 = 7 हो गया, यहाँ तीरे का आधा हो गया। ये तिरछी कटिंग का है और बस सामने से खुला रहेगा, ये मैं काट के आपको। पीछे का गला है छोटा, यहाँ से अलग कर लेंगे। ये बैक की चोली हो गई, ठीक है। ये चोली है, पीछे लाइनिंग लगाई हुई है, ऊपर आगे फ्रंट की चोली रखी हुई है। और ये जो हमने काउल नेक काटा है कॉलर, इसको हम पीछे से लेंगे, इसको आगे लाएंगे ऐसे। पहले ये नेक रखा और बीच में अस्तर की चोली है, फिर ये है। अब इसको वी शेप में
सिलाई करेंगे। बीचों बीच में आना चाहिए कट, तीनों कट मिलने चाहिए। यहाँ से सिलाई चालू करेंगे। नीचे देखेंगे बीच में बराबर है। सेंटर पे लाके सुई नीचे कपड़ा मोड़ लेंगे। तीनों कपड़े बराबर जुड़ने चाहिए। ये सिलाई मैंने दे दी है तीनों कपड़ों में। अब इस पे कट लगाएंगे छोटा सा, ताकि सीधा आसानी से होगा और सफाई से होगा। ऐसे कट लगा देंगे। अब इसको सीधा इसके ऊपर लाएंगे, चोली के ऊपर। पीछे का कपड़ा सारा अस्तर छोड़ के काउल नेक का कपड़ा आगे ले आए, सामने। ये लाने के बाद हम एक दबाव वाली सिलाई दे देंगे। ये ध्यान रहे यहाँ सल नहीं पड़ना चाहिए। ये चोली पे इस तरह से प्लीट्स जमाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और ऐसे इधर से जमाने के बाद दूसरी साइड हम पक करेंगे। इसी लहर को इस तरह से जैसे अच्छा दिखना चाहिए इसको और ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, और एक प्लेट उठाई इस तरह से जमाते जाएंगे। ये ऐसे रहेगा, फिर यहाँ घेर जुड़ेगी। इस तरह से घेर चोली तैयार हो रही है। ये होगा काउल नेक। चोली तैयार है पूरी। इसमें यहाँ पर चोली पर बेल्ट लगाएंगे इस तरह से। ये शो के लिए सिर्फ डबल पट्टी लगेगी। उसके बाद ये घेर तैयार है। दोनों घेर जोड़ देंगे, इसको उल्टा करके इसके ऊपर लाएंगे। ये बैक की चोली है, ये बैक की चोली तैयार है। ये बटन पट्टियाँ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फ्रॉकों वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये चोली तैयार है। बैक की चोली को इसके साथ रखकर जोड़ देंगे। ये तो पूरा अंदर चला जाएगा। इसके लिए हमें शो के लिए इतना पीस बनाना है, सिलाइयाँ करके छोटे छोटे बखिए लगाने हैं, बिल्कुल पतले। वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसी ही सिलाइयाँ सारे में लगानी है। जैसे इतना टुकड़ा है तो उसका आधे तक सिलाइयाँ लगती चली जाएंगी और कपड़ा उतना हो रहे कंधे की चौड़ाई तक रह जाएगा। ये इस तरह से जो मैंने बना के बताया आपको, ऐसे अंदर सिलाई देंगे। बाकी की सिलाई तीरे में चली जाएगी, ये बाकी शोल्डर में जाएगी और इधर गले के साथ ही रहेगी। ये फ्रॉक पूरी तैयार हो चुकी है। घेर चोली जोड़ना मैंने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ये काउल नेक है। यहाँ हमने थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है, इसके ऊपर रोज़ फ्लावर बनाऊंगी, वो लगा के आपको अभी बताऊंगी। ये सीधी सी कपड़ा लिया है सीधा, उसको डबल करके मैंने अंदर से सिलाई लगाई है और इसको सीधा करके उरेप कपड़ा ही लिया है मैंने। इसको सीधा करके हम सुई से इसमें धागा अंदर तक लेते जाएंगे।
ये डाल के निकाला। ये हो चुका है। अब इसको ऐसे खींच लेंगे धागे को। अब हमें इसको हाथ से सेट करना है। सबसे पहले ऐसे लेके मोड़ते जाएंगे रोज़ फ्लावर की तरह। थोड़ा और टाइट कर लेंगे। धागे को और टाइट करेंगे और ये फ्लावर बन चुका है। इसको अंदर कपड़े को दबा देंगे और बीचों बीच में से सुई निकालेंगे। इसको पक्का करके और बाद में थोड़ा फिर एडजस्ट करेंगे। अब इस तरह से इसको मोड़ेंगे। ये फ्लावर बन गया। ये फ्लावर बन चुका है। ये हमने दो सीधी सीधी टाई जैसा बनाया। इसको यूं लटका के और शोल्डर पे लगा देंगे। काउल नेक तैयार है फ्रॉक। और पूरा डिज़ाइन आप देख लीजिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये काउल नेक बनाया है। यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप उसे ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।